फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों का प्रदर्शन। खट्टर सरकार और परिवहन मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन जारी, प्रदर्शनकारियों ने लगाए हैं मुर्दाबाद के नारे। बल्लभगढ़ बस स्टैंड को किया है ब्लॉक। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है, हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है वहां पर, जहां खट्टर सरकार और परिवहन मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन जारी, प्रदर्शनकारियों ने लगाए हैं मुर्दाबाद के नारे। बल्लभगढ़ बस स्टैंड को किया है ब्लॉक। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी किया गया है। खट्टर सरकार और परिवहन मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन जारी किया गया है, प्रदर्शनकारियों ने लगाए हैं मुर्दाबाद के नारे। संदिग्ध परिस्थिति में मिला है शव, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फांसी पर लटका मिला है एक महिला का शव, जो संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया, परिजनों ने लगाया है हत्या का आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस वक्त की बड़ी खबर, लालगंज कोतवाली क्षेत्र की है ये पूरी घटना। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है एक महिला का शव, जहां फांसी पर लटका मिला है महिला का शव, परिजनों ने लगाया है हत्या का आरोप। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र की है ये घटना। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला का शव मिला है, फंदे पर लटकता मिला है महिला का शव, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, परिजनों ने लगाया है हत्या का आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लालगंज कोतवाली क्षेत्र की है ये पूरी घटना। संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है एक महिला का शव, फांसी पर लटकता मिला है महिला का शव, परिजनों ने हत्या का लगाया है आरोप। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओम शंकर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो ओम शंकर, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, आखिर क्या है पूरा मामला? देखिए, ये महिला जो है ये फांसी के फंदे पर संदिग्ध परिस्थितियों में जो लटकता हुआ तो मिला था, हालांकि परिजन लगातार हत्या का आरोप भी लगा रहे हैं और इस समय लालगंज कोतवाली का घेराव भी जारी है। अब तहरीर का इंतजार हो रहा है, सीओ से अभी हमारी बात हुई है, वो भी तहरीर का इंतजार कर रहे हैं और जिसके नाम वो तहरीर देंगे उसी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके कार्यवाही करी जाएगी। ओम शंकर, जिस तरीके से परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है, क्या उनको इस तरीके की कोई शंका है, क्या उन्हें किसी चीज का उनको क्या ऐसा है, क्या किसी के चलते, किसी की पुरानी रंजिश चल रही थी जिसके चलते उन्होंने हत्या का आरोप लगाया है? जी, कहीं ना कहीं जो है जो परिजन है वो इस आत्महत्या को नहीं हत्या ही बता रहे हैं और पुलिस सिर्फ इस बात का इंतजार कर रही है कि वो तहरीर दे ताकि अभियोग पंजीकृत करके मुजरिम के खिलाफ उचित कार्रवाई करी जाए। तो परिवार जनों को किस पे संशय बना हुआ है जिसको चलते उन्होंने ये ऐसा हत्या का आरोप लगाया है? हाँ, अभी इस बारे में खुलासा नहीं हो पाया है, सभी लोग उस तहरीर का इंतजार कर रहे हैं कि वो उस तहरीर में किसको परिजन नामजद करते हैं, उसके बाद ही जैसे तहरीर आती है वैसे उसके नाम का खुलासा हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ओम शंकर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है महिला का शव, फांसी के फंदे पर लटकता मिला है शव, परिवारजनों ने हत्या का लगाया है आरोप। पीलीभीत में 9वीं क्लास की छात्रा के अपहरण का प्रयास, कार सवार बदमाशों ने अपहरण की कोशिश की, इस छात्रा ने कार से कूदकर बचाई है अपनी जान। एएसपी एसओजी समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। इस वक्त की बड़ी खबर, थाना बरखेड़ा के जुना लाल की है ये पूरी घटना।
पीलीभीत में 9वीं क्लास की छात्रा के अपहरण की बात, जहां कार सवार बदमाशों ने अपहरण की कोशिश की। इस वक्त की बड़ी खबर, छात्रा ने कार से कूदकर बचाई है अपनी जान। एसपी एसओजी समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। थाना बरखेड़ा के जूना लाल स्कूल का है ये पूरा मामला। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पीलीभीत में 9वीं क्लास की छात्रा के अपहरण की कोशिश, कार सवार बदमाशों ने अपहरण की कोशिश की, जहां छात्रा ने कार से कूदकर बचाई है अपनी जान। एसपी एसओजी समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। थाना बरखेड़ा के जूना लाल स्कूल का है ये पूरा मामला।